हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। तो आज हम लेके आए तुम्हारे इंडिया का सरोड़ा थोड़े का अपन वीडियो। तो फाइनली दोस्तों, तुम्हारे इंडिया का सरोड़ा थोड़े गेम प्ले में फाइनली तुम्हारा टूचन किंग ऐड कर दिया है। अब जो तुम्हारे गेम में टूचन किंग ऐड किया वो कैसा वाला ऐड किया एंड उस पर कौन कौन सी मॉडिफिकेशन ऐड किए हैं आप सभी को वो दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। और उस ट्रैक्टर पर जो तुम्हारा टोचन जो ऐड हुआ ना तुम्हारे निशु भाई वाला, उस पर कौन कौन सी मॉडिफिकेशन तो ऐड किए हैं, उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो कैसे यूज़ करने हैं, सेटिंग्स जो ऐड किए हैं वो कैसे यूज करने हैं, तो आप सभी को वो बताऊँगा इस वीडियो में। अब मान के चलो वो मतलब कि जो तुम्हारा टोचन किंग है मेरे पास तो आ गया, ठीक है। अब तुम्हारे पास कब तक आने वाला है तो आप सभी को वो भी बताऊँगा इस वीडियो में। और अभी तुम्हारा टोचन किंग पे ना एक काम और रह गया, मैं आप सभी को वो भी बताऊंगा जो तुम्हारा मतलब रियल लुक जो दिखाऊंगा तुम्हारे टोचन किंग का। वैसे तो तुमने थंबनेल में देख लिया होगा बट जो एक्चुअल में जब वीडियो में देखते हैं ना तो उसका एक अलग ही मजा आता है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा टोचन किंग ऐड किया है, अभी इस पर ना एक मॉडिफिकेशन रह गया तो आप सभी को वो बताऊंगा इस वीडियो में। तो इसीलिए वीडियो के अंत बने रहना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चल गाइस लेट्स गो। तो हाँ, तो दोस्तों फाइनली तुम्हारे इंडर व्हीकल गेम में फाइनली तुम्हारा टोचन किंग ऐड कर दिया है। अब जो तुम्हारा टोचन किंग ऐड किया है ना उसका जो लुक है बिल्कुल रियलिस्टिक बनाया है। जो तुम्हारे निशु भाई के पास अभी रिसेंटली तुम्हारा जोंडे जोंडे 50-50 डी है ना, उसका लुक और तुम्हारा इसका लुक बिल्कुल सेम लुक है, ठीक है। अब तुम्हें आगे से ना थोड़ा छोटा जैसा दिख रहा होगा, मतलब आगे से थोड़ा मिनी ट्रैक्टर होता है ना लाइक वो जैसा फेस दिख रहा होगा, बट अभी तुम्हें ना आगे से फुल दिखाने वाला हूँ। और इस ट्रैक्टर में आपको मैंने बोला था ना टाइम क्यों लग रहा है, तो मैं आप सभी को बताऊंगा इस ट्रैक्टर पे क्यों टाइम लगा, इसमें ऐसा क्या किया है उसकी वजह से टाइम लगा रहा तुम्हारे इस वाले टोचन किंग पे। अब तुम देख रहे होगे जो तुम्हारे इस ट्रैक्टर के मडगाटर हैं पीछे वाले, जहां तुम्हारा मतलब बैरियर्स लगे हुए हैं, डीजे लगा हुआ है ना, जो छतरी रूफ लगी हुई है, तो वहां जो मतलब मडगाटर है ना वो ऑल ब्लैक जेड ब्लैक की है तुम्हारे मैट के साथ। अब इनमें टाइम क्यों लगा, जो मतलब कि ब्लैक की शेडिंग होती है ना वो अलग से करनी पड़ती है। अक्सर तुमने सभी ट्रैक्टर में देखा होगा एक सिस्टम, जब मतलब तुम्हारा जॉन डियर है या और भी ट्रैक्टर अपने गेम पर, जो ओल्ड जॉन डियर था तुम्हारे गेम में, या इसके अलावा तुम्हारा अर्जुन नोवेड किया है, मैस ये महिंद्रा, उनमें क्या सिस्टम है, जब हम तुम्हारे कलर चेंज करते हैं ना तुम्हारे ट्रैक्टर का, तो तुम्हारा ऑल ब्लैक करेंगे तो ऑल ब्लैक हो जाएगा, ग्रीन करेंगे तो ऑल ग्रीन हो जाएगा, लाइक वो वाला सिस्टम था, ठीक है। बट इसकी जो सेटिंग है ना वो डिफरेंट है और इसमें जो मॉडिफिकेशन है ना विद ओरिजिनल एक एक मॉडिफिकेशन ऐड की है। अब तुम्हें इंजन के नीचे दिख रही होगी जो तुम्हारी पुलिस वाली लाइट होती है ना, वो भी रेड वाली लाइट ऐड की है। अब इसको जलाना कहते हैं तो आप सभी को वो बताऊंगा इस वीडियो में। और जो बाकी तुम्हारा जो टोचन किंग है ना उसका फुल कंप्लीटली लुक कह सकते हैं कि अपने गेम में ऐड किया है। ये लुक ना तुम्हारे FF22 में देखा, ना GTA 5 में देखा, ना इसके अलावा और गेमों में देखा। एक इकलौता गेम है तुम्हारे प्ले स्टोर पर इंडियन व्हीकल गेम जिसमें ये लुक बिल्कुल रियलिस्टिक जो ऐड किया है ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि 22 वाले टायर कैसे चेंज करने हैं, जो पिछले वाले टायर है तुम्हारे जॉनडियर किंग के, जॉनडियर 2000 किंग के, वो आप सब कैसे चेंज करोगे, 22A वाले कैसे ले पाओगे, क्योंकि अभी इसमें छोटे वाले टायर डले हुए हैं, ठीक है। अभी जो रिसेंटली जो टायर डले हुए हैं ना वो वाले कैसे ले सकते हो तुम्हारे अभी मतलब कि रोहित भाई ने जो मतलब कि अभी तुम्हारे टोचन पर जो नए वाले टायर डलवाए हैं ना, आप सब उन वाले टायरों को कैसे ले सकते हो। अभी ये तुम्हारा मतलब कि उससे पहले जो मॉडिफिकेशन थी तुम्हारे टोचन किंग पे वो वाली मॉडिफिकेशन है, मैं आप सभी को एक ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू में टायरों को चेंज कर पाओगे और 22A वाले टायर कर पाओगे, ठीक है। अब मतलब कि तुम्हारे दोनों भाई भाई ट्रैक्टर खड़ा कर लिए मैंने एक साइड में, एक साइड तुम्हारा मतलब कि स्वराज 855 ट्रैक्टर है और एक साथ तुम्हारा जोंडे ट्रैक्टर है जो कि तुम्हारे दोनों निशु भाई के ट्रैक्टर हैं, ठीक है। अब तुम मुझे कमेंट करके बताना कि अभी फिलहाल में भाई भाई जो खड़े हैं तुम्हारे साइड में, आप सभी को इनकी जोड़ी दोनों की जोड़ी कैसी लगी, और बाकी जो लुक है तुम्हारे जोंडे ट्रैक्टर का टोचन किंग का, आप कमेंट करके बताना कि आप सभी को ये टोचन किंग कैसा लगा। बहुत कमेंट कर रहे थे कि भाई टोचन किंग नहीं ऐड कर रहे हो, हम गेम डिलीट कर देंगे, आज कर दो। भाई टोचन किंग ऐड हो गया था तुम्हारे गेम में, इसमें बस तुम्हारी जो शेडिंग थी ना वो ही करने को बाकी रह गई थी, जो कि मैंने ऑल वीडियो में आप सभी को जितनी पुरानी वीडियो बताई थी ना, मैं एक एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा था एक एक चीज, तब तुम विश्वास नहीं कर रहे थे कि भाई तुम टोचन किंग ऐड ही नहीं कर सकते इस गेम में। अब फाइनली ऐड कर दिया है, बस तुम्हारा रूफ का काम रह गया था, रूफ भी ऐड कर दिया, शेडिंग भी कर दिया ब्लैक वाली, वो भी मैट के साथ में, ठीक है।
वो भी ओरिजिनल मैट है, इसको सेटिंग करने में टाइम लगता है भाई, क्योंकि जो ये पार्ट्स होते हैं तुम्हारे मर्गाटर वाले, इसमें टाइम लगता है और ये अलग से सेट करने पड़े हैं। जैसे तुम्हारा मतलब कि स्वराज 855 रेटर, उसके वाइट सेटिंग की है, इसकी ब्लैक सेटिंग है, लाइक वो एक मॉडिफिकेशन में आती है अलग तरीके से। मैं कह रहा हूँ कि इन दो ट्रैक्टर में सबसे ज़्यादा टाइम लगा ऐड करने में। अब तुम कमेंट करके बताना, एक साइड तुम्हारा स्वराज 855 ट्रैक्टर खड़ा, एक तुम्हारा मतलब रियल जॉन डियर मतलब टोचन किंग खड़ा है, ठीक है? दोनों निशु भाई के ट्रैक्टर हैं, आप सभी को पता है। आप दोनों को कमेंट करके बताना कि आप सभी को अब जो रियल जो ऐड हुआ ना तुम्हारा टोचन किंग, आप सभी को एक्चुअल में कैसा लगा? अगर कुछ कमी अभी भी लग रही हो ना तो आप कमेंट करके बताना इसके बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली इस पर काम ही चल रहा है, क्योंकि इसमें ना भी बहुत सारे ग्लिच हैं उनको सही कर रहे हैं, और जो इसकी पुलिस वाली लाइट है ना उसमें भी तुम्हारा कुछ सिस्टम सेट किया जा रहा है। जैसे आपने रियल लाइफ में देखा हो, तुम्हारे निशु भाई का टोचन किंग है ना, उसमें लाइट जलती है तुम्हारी नीचे वाली लाइट में भी, और तुम्हारे जो इंडिकेटर है अभी इसके इंडिकेटर भी ऑन नहीं है, तुम्हारे रियल वाले इंडिकेटर मतलब जो तुम्हारे जॉन डीयर ट्रैक्टर है ना उसके जो रिसेंटली इंडिकेटर आ रहे हैं मॉडिफाइड के साथ में, वही इंडिकेटर ऐड किए हैं साथ में। और जो तुम्हारा टोचन किंग है ना, अभी इसमें तुम्हारे दो तीन ग्लिच भी रह गए हैं जिनको सही करेंगे और इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज और करेंगे, जो मतलब कि आगे का जो साइज है ना वो थोड़ा ऊपर और करेंगे। और एक चीज और कमेंट करके बताना, जो इसका जो अगले वाला जो बम्पर है इस पर तुम्हारे हॉर्न यूं ही लगे रहने दे, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा तुम्हारा रियल लाइफ में टोचन किंग है ना उस पर ये टोटली मॉडिफिकेशन है, ए टू जेड जितनी मॉडिफिकेशन अभी तक ऐड की है ना उनकी ब्लॉक्स को देख देख के किए भाई। ये तुम्हारे जो गेम डेवलपर ने मतलब कि मॉडल अंतर तो नॉर्मल बना के दे दिया था, जैसे तुमने FS22 में देखा होगा, FS25, FS23 में देखा होगा, या फिर तुमने GTA 5 में देखा होगा, वो वाला एक्चुअल मॉडल बना के दिया था तुम्हारे मॉडलर ने। अब गेम डेवलपर ने ना खुद ब्लॉक्स देख देख कर इसको ऑप्टिमाइज किया, प्रॉपर मॉडिफिकेशन रेडी, क्योंकि बिल्कुल हमें रियलिस्टिक करना था, ठीक है? इसी वजह से इतना टाइम लिया तुम्हारे टोचन किंग ने, जितना टाइम लेना था तुम्हारा टोचन किंग ले चुका है। अब ओनली अपडेट कब तक आएगा आप सभी को वो भी बताऊंगा। अभी तुम्हारे गेम प्ले में क्या करने को बाकी रह गया है, अभी तक जितने व्हीकल ऐड कर दिए ना उन व्हीकल को नाम भाई, जो तो जोंडर के नाम से ऐड हो गया, तुम्हारा जो अर्जुन नोवो है अर्जुन नोवो के नाम से ऐड करना है, और जो तुम्हारे डॉक्टर चैलेंजर के नाम से, सुप्रा एम के फोर के नाम से, निशान GTR है, मतलब कि नाम वाइज अभी व्हीकल ऐड करने को रह गए तुम्हारे गेम में। और इसके अलावा तुम्हारे उन व्हीकल पे ना एक दो ग्लिच भी होंगे, वो भी सेट करने हैं। और जो तुम्हारा लाइटिंग सिस्टम है ना, मेन लाइटिंग सिस्टम, इंडिकेटर सिस्टम और कलर चेंज करने का ऑप्शन, बस ये तीन चार चीज़ ऐड करने को रह गई हैं। मैं कह रहा हूँ अगर गेम डेवलपर ने तुम्हारे लग के काम कर दिया ना, 2 से 3 दिन में कर देंगे भाई, दोनों भाई मिलकर अगर काम करेंगे ना, एक तो क्या कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मतलब कि दूसरे भाई हैं उनके भाई हैं ना, उनके मतलब दूसरे भाई की तो तबीयत ख़राब है, इसी वजह से वो कम काम कर पाते हैं। अब दिक्कत यही है, वो कभी कभी ना दवाई लेने चले जाते हैं, ठीक है? रीज़न वही है जो कि कभी किसी किसी तुम्हारे गेम पे काम नहीं चल पाता। अगर तुम्हारे गेम पे ना प्रॉपर काम चले ना भाई, लिटरली बता रहा हूँ, 1 से 2 दिन मतलब 2-3 दिन में तुम्हारे गेम में सभी चीज़ ऐड कर देते हैं भाई, वो तो तुम्हारे गेम पे काम नहीं चल पाता है। और बहुत भाई गुस्सा हो रहे हैं, मैं मान रहा हूँ भाई गुस्सा मनना मांगता है, क्योंकि 2 महीना हो चुके हैं तुम्हारे गेम प्ले का अभी तक अपडेट नहीं आया। मैं भी कर लेना भाई, मैंने बहुत सुना है तुम्हारे गेम डेवलपर को, मैंने भी बोल दिया था कि भाई अब ना मैं आप सबके कमेंट में मतलब कि उन चैनल पर जाकर ना स्पेम करवाऊंगा कमेंट, बट चलो कोई ना, छोड़ो, 2-4 दिन की बात और है, तुम्हारे गेम प्ले का आप अपडेट दे देंगे। मुझे बस डर मतलब किस चीज़ का था कि अगर तुम्हारा टोचन किंग नहीं ऐड किया है ना तो भाई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टोचन किंग नहीं ऐड करके दे रहे थे तुम्हारे गेम में। अब हाँ हो गया कि तुम्हारे अब टोचन किंग ऐड कर दिया है ना तुम्हारे गेम में, तो अब मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम लगने वाला तुम्हारा अपडेट आने में इस वाले को, क्योंकि जो तुम्हारा टोचन किंग था ना सबसे ज़्यादा वही टाइम ले रहा था तुम्हारे गेम में ऐड होने में। मतलब कि टोचन में क्या कर रहा था कि 9 तारीख से, आपको ध्यान होगी 9 तारीख से हो रही थी टोचन किंग ऐड हो रहा है, टोचन किंग ऐड हो रहा है। अब आज 30 तारीख हो चुकी, 1 तारीख ही हो चुकी है मेरे हिसाब से, अब 1 तारीख तक अब जाके ऐड किया है। तो तुम सोच रहे हो ना, अब मैं आप सभी को रियलिटी बता दूं, तुम्हारे गेम पे ना काम बंद था बहुत टाइम से, ठीक है? रीज़न वही, उनकी तबीयत ख़राब है भाई, बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो कभी कभी ना बीच बीच में दवाई लेने चले जाते हैं, ठीक है? इसी वजह से थोड़ा कम काम कर पा रहे हैं गेम पे, पर फिर भी ना वो काम टाइम निकाल के ना कर रहे हैं भाई, वो मतलब इतनी बार समझ रहा हूँ उनकी भी मैं कि वो टाइम निकाल रहे हैं और फिर भी काम कर रहे हैं तुम्हारे गेम पर, सबसे बड़ी बात है, ठीक है? अगर मान के चलो कोई मतलब होता ना तो भाई नहीं हो पाता काम ढंग से, ठीक है ना? इस चीज़ को समझो। पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारे गेम का अपडेट नहीं देंगे भाई, अपडेट देंगे, हमें भी जल्दी है कि तुम्हारे गेम प्ले का ये वाला अपडेट दे के नेक्स्ट अपडेट पर काम स्टार्ट करवाएं दोबारा से, क्योंकि दोबारा जो मतलब नेक्स्ट अपडेट आएगा ना
उसमें कुछ डिमांडेबल एंड यूनिक चीज़ ऐड करवाएंगे, क्योंकि मिशन टाइप की चीज़ ऐड करवाएंगे तुम्हारे गेम में, यूनिक चीज़ें हैं, इसी वजह से हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यार देखो हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता, हम वीडियो बना सकते हैं, बोल ही तो सकते हैं, अब प्रॉपर पूरा काम होता है तुम्हारे गेम डेवलपर के हाथ में। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं सब कुछ कर लेता, ठीक है, बट भाई रीज़न वही है का गेम डेवलपर के हाथ में सब कुछ है, हम तो बस वीडियो बना सकते हैं या फिर उनसे बोल सकते हैं नॉर्मल तरीके से, ठीक है, आप ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को समझो, मतलब कि जो कमेंट कर रहे हैं ना, बहुत मैंने देखा बहुत गंदी गंदी कमेंट कर रहे हो, ऐसी कमेंट ना करो, मतलब कि तुम्हारे गेम प्ले का अपडेट अब जल्दी आ जाएगा, तुम्हारा टोचन किंग ऐड हो चुका है तुम्हारे गेम में। एंड आई होप दोस्त अगर वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।